दोस्तों बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले अमरीश पुरी को उनके लंबे चौड़े कद, दमदार आवाज और डरावने गेटअप और जबरदस्त शख्सियत के लिए जाना जाता था, इसलिए तो इनके बिना फिल्में फीकी सी लगती थी। ये बड़े पर्दे पर नजर आते थे तो दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाया करती थी। इन्होंने फिल्मों में जबरदस्त डायलॉग से अपनी खास पहचान बनाई है, चाहे फिर बात हो मोगैम्बो खुश हुआ जैसे नेगेटिव डायलॉग की, या फिर बात हो जा सिमरन जा जीले अपनी जिंदगी जैसे पॉजिटिव डायलॉग की। दर्शक भी इनकी एक्टिंग और जबरदस्त डायलॉग के मुरीद हुआ करते थे। भले ही आज हमारे बीच ना हो, पर आज भी इनके द्वारा निभाए गए हर किरदार दर्शकों के दिलों में जिंदा है। लेकिन दोस्तों, आप इनके बारे में तो सब कुछ जानते हैं, पर क्या आप इनके बेटे के बारे में जानते हैं कि वे कौन हैं, क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? अगर आप इन सभी बातों से रूबरू होना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और साथ ही अमरीश पुरी जैसे दिवंगत कलाकार के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री के मोगैम्बो यानी कि अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को पंजाब के नवांशहर में हुआ था और यहीं से इन्होंने अपनी सारी पढ़ाई पूरी की है। अगर बात करें इनके अभिनय करियर के बारे में तो इन्होंने साल 1970 में आई फिल्म प्रेम पुजारी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना पहला कदम रखा था, जिसमें इन्होंने जेरी की सहायक भूमिका निभाई थी। भले ही इन्हें अपना करियर बनाने में थोड़ा सा लंबा समय लगा था, लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब कामयाबी इनके पैरों को चूम रही थी। साल 1987 में आई फिल्म मिस्टर इंडिया में इन्होंने मोगैम्बो के नेगेटिव किरदार से सभी को हैरान कर दिया था, जिसे दर्शकों ने इतना ज्यादा पसंद किया कि लोग इन्हें नेगेटिव किरदार के लिए ही जाने लगे। इन्होंने फिल्मों में नेगेटिव किरदार के साथ साथ पॉजिटिव किरदार से भी दर्शकों का मन मोह लिया था, चाहे फिर बात हो फिल्म विरासत की या फिल्म घायल की। ये अपने हर एक किरदार को निभाने में खरे उतरे हैं। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में 400 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है, जिसमें करण अर्जुन और नायक जैसी कई सुपरहिट फिल्में शामिल है। अपने एक्टिंग करियर में ढेर सारी सुपरहिट फिल्में देने के बाद इनका 12 जनवरी 2005 को ब्रेन ट्यूमर की वजह से निधन हो गया था। लेकिन अगर बात करें इस बेहतरीन कलाकार के बेटे के बारे में तो इनके बेटे का नाम राजीव पुरी है, जो कि पेशे से एक लॉयर हैं और मुंबई में रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी को बचपन में ही एक्टिंग का काफ़ी शौक था, क्योंकि जब ही अपने पापा को पर्दे पर एक खलनायक की भूमिका निभाते हुए देखते थे तो इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था, जिसके चलते इन्होंने बचपन में डिसीजन ले लिया था कि ये बड़े होकर इंडस्ट्री में खूब नाम कमाएंगे। पर अमरीश पुरी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इंडस्ट्री में कदम रखे। हालांकि इस बात के बारे में आज तक पता नहीं चला कि अमरीश पुरी क्यों नहीं चाहते थे कि उनका बेटा इंडस्ट्री में कदम ना रखे, पर राजीव पुरी एक आदर्श बेटे की तरह अपने पिता की बात को मानते हुए एक्टिंग की दुनिया से दूर अपना करियर दूसरे फील्ड में बनाया और आज ये एक्टिंग की फील्ड से कई ज्यादा अपना नाम कमा रहे हैं, जिसके चलते आज इनका नाम टॉप 5 लॉयर की लिस्ट में आता है। एक्टिंग की दुनिया से हमेशा दूर रहने के चलते राजीव पुरी लाइमलाइट भरी चकाचौंध से काफी दूर रहते हैं। तो दोस्तों, आपको अमरीश पुरी के बेटे राजीव पुरी के बारे में जानकर कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।